हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक तंवर फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये है सैमुअल जॉनसन का लिखा प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो दोस्तों, डॉक्टर जॉनसन शेक्सपियर को कंसीडर करते हैं कि वो इंग्लैंड के सबसे महानतम ड्रामेटिस्ट हैं, और वो इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। और एक नियो क्लासिकल क्रिटिक होने की वजह से वो इनकी कमियों को भी हमें बताएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस किया है उनकी एक्सीलेंसीज और उनके फॉल्स को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक बुक सेलर के बेटे थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और उनका अच्छा कमांड था लैंग्वेज के ऊपर। बचपन में इन्फेक्शन होने की वजह से वो पार्शियल डेफ हो गए थे, और उन्हें विजन की भी प्रॉब्लम आ गई थी। साथ ही बचपन में उन्हें स्मॉल पॉक्स हुआ था, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे स्कार्स आ गए थे। 19 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड ज्वाइन की, बट गरीबी की वजह से, पावर्टी की वजह से वो उसे पूरा नहीं कर पाए और उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, और वो काफ़ी डिप्रेस हो गए। दोस्तों, गरीब होने के बाद भी उन्होंने चैरिटी को कभी पसंद नहीं किया। एक बार किसी लड़के ने एक नया पेयर जूतों का उनके दरवाजे के बाहर रख दिया, बट उन्होंने उसे फेंक दिया ये कह के कि उन्हें चैरिटी नहीं चाहिए। 25 साल की उम्र में उन्होंने एलिजाबेथ से शादी की, जो कि एक विडो थी और उनसे 21 साल बड़ी थी। पढ़ाई अधूरी रह जाने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से कुछ फाइनेंशियल हेल्प ली और एक प्राइवेट एकेडमी शुरू की, जिसमें कुल 3 ही स्टूडेंट थे। यह एकेडमी फेल रही, नहीं चल पाया ये स्कूल, तो वो लंदन आ गए। यहां पर आकर उन्होंने एक इंग्लिश डिक्शनरी लिखी, और इस इंग्लिश डिक्शनरी में 80,000 कोटेशन तो सिर्फ शेक्सपियर से लिए गए हैं। ये डिक्शनरी छपने से पहले पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने ये ऐसा पब्लिश किया कि मैं प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखने जा रहा हूं, और इसे मैं 1 साल के अंदर अंदर लिख दूंगा। ये पढ़ने के बाद उन्हें काफी पैसा मिला, बट 1 साल की बात को वो पूरा नहीं कर पाए, तो पोएट चार्ल्स चर्चिल ने उन पर अटैक किया। उन्हें पूरे 9 साल लगे, प्रपोजल के बाद पूरे 9 साल उन्हें लगे इसे पब्लिश करने में। इस प्रीफेस की बात करें तो इसमें टोटल 72 पेजेस हैं, टोटल 2 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में शेक्सपियर को एक ड्रामेटिस्ट के रूप में बताया गया है, और दूसरे सेक्शन के अंदर शेक्सपियर को एक एडिटर के रूप में बताया गया है। दोस्तों, डॉक्टर जॉनसन एक कंजर्वेटिव एंग्लिकन थे, और वो टोरी पार्टी को सपोर्ट करते थे। खुद ज्यादा पैसा नहीं होने के बाद भी उन्होंने हमेशा अपने गरीब दोस्तों की हेल्प की। द प्रीफेस टू शेक्सपियर को एक लैंडमार्क माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। तो आइए हम इनके एक्सट्रैक्ट्स को डिस्कस करें, और सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। वो ये प्रीफेस स्टार्ट करते हैं ये कहते हुए कि पीपल, लोग उन कामों को पसंद करते हैं राइटर्स के जो राइटर्स अब मर चुके हैं, और जो मॉडर्न राइटर्स हैं उन्हें हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। जैसे कि शेक्सपियर को भी उनके समय में अधिक रिस्पेक्ट नहीं मिली। आगे वो ये कहते हैं कि शेक्सपियर तो टाइमलेस है और यूनिवर्सल है, उनका काम सदा सदा के लिए है।
वो ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर की मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रही है और वो अलग-अलग एंगल से चीज़ों को देखते हैं। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं शेक्सपियर तो पोइट ऑफ नेचर हैं, उनके सभी करेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन पैशंस को दिखाते हैं। उनके ड्रामास में जहां गुड है तो वहीं ईविल भी है, जहां जॉय है वहां सॉरो भी है, जहां एक का लॉस है तो वही दूसरे का गेन भी है। वो रियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिचुएशंस का। उनके ड्रामास में जाइंट या ड्वार्फ दिखा के माहौल बनाने की कोई आवश्यकता कभी नहीं रही। उनके ड्रामास में कोई हीरो होना जरूरी नहीं है, उनके ड्रामास में सिर्फ मैन होते हैं जो रियल लाइफ की बात करते हैं। इसीलिए लाइफ के मैनर्स का वो एक फेथफुल मैनर, फेथफुल मिरर दिखाते हैं। एक पॉइंट और वो आगे डिस्कस करते हैं कि एंशियंट्स ने, पुराने राइटर्स ने या तो सिर्फ कॉमेडी लिखी या सिर्फ ट्रेजेडी लिखी, बट शेक्सपियर ही ऐसे जीनियस हैं जो कॉमेडी और ट्रेजेडी को एक ही कंपोजिशन में ले आते हैं, उन्हें एक साथ मिंगल कर देते हैं। इस मिंगलिंग से वैरायटी बढ़ जाती है जिससे ज्यादा प्लेजर मिलता है। आगे वो ये कहते हैं कि एक नेचुरलनेस है उनकी कॉमेडी के अंदर भी, इनके कॉमिक सीन्स रियल लाइफ से लिए गए हैं। इतनी सारी तारीफ करने के बाद, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक नियो क्लासिकल क्रिटिक हैं, तो अब वो कुछ कमियां भी बताएंगे। सबसे पहली कमी वो ये बताते हैं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्ट के अंदर हमेशा गुड को ईविल को डिफीट करना चाहिए, उसे हराना चाहिए, बट ऐसा शेक्सपियर के ड्रामास में मिसिंग है। उनके प्लेज प्लीजिंग तो होते हैं बट इंस्ट्रक्टिंग नहीं होते हैं। दूसरी कमी वो ये कहते हैं कि एरिस्टोटल हमेशा ये माना, एरिस्टोटल ने, कि प्लॉट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लॉट की एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडल होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए, बट शेक्सपियर के प्लॉट्स लूजली फॉर्म्ड होते हैं। उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वो हमेशा क्रोनोलॉजी को वॉयलेट करते हैं। तीसरी कमी उन्होंने ये बताई कि जो लैंग्वेज है कॉमेडी की वो बहुत ही कोर्स है। नेक्स्ट वो ये भी कहते हैं कि उनकी ट्रेजेडीज के अंदर भी एक टीडियसनेस है, उनकी ट्रेजेडीज काफी वर्स हैं क्योंकि उनमें एक्सेसिव लेबर है और डिक्शन भी अच्छा नहीं है। एक कमी वो ये भी कहते हैं कि नरेशन बहुत ही वर्बोस है, शब्दों से भरा हुआ है और अननेसेसरी रिपीटेशन है एक ही बात का। अगला एक पॉइंट वो ये कहते हैं कि इनके ड्रामास के अंदर सडन ड्रॉप होता है इमोशनल टेम्परेचर का किसी भी ट्रेजिक सीन के अंदर, क्योंकि अचानक से कोई पन आ जाता है तो जो फीलिंग्स होती हैं उनमें अचानक ड्रॉप आता है। इसके अलावा शेक्सपियर को क्विबल करने का भी बहुत शौक था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ी कमी वो बताते हैं शेक्सपियर के अंदर, वो ये है कि उन्होंने हमेशा वॉयलेट किया यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस को। यह आरोप हमेशा लगे शेक्सपियर पे कि उन्होंने अपने ड्रामास में टाइम और प्लेस की यूनिटी पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन पर ध्यान दिया। बट आगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही उनको डिफेंड करते हुए ये भी कहते हैं कि सभी लिसनर्स ये जानते हैं, ऑडियंस ये जानती है कि स्टेज के ऊपर सभी प्लेयर्स हैं और वो एक ड्रामा देख रहे हैं, इसलिए टाइम और प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर एक पाइनियर हैं, वो ओरिजिनल हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होने की वजह से उन्होंने दूसरों को ज़्यादा कॉपी नहीं किया, उन्होंने दूसरों का मैटर ज़्यादा नहीं पढ़ा, इसलिए उनकी स्टाइल, उनका फॉर्म अपने आप में ओरिजिनल है। साथ ही ये बात भी महत्वपूर्ण है कि शेक्सपियर ने इस्टैब्लिश की हारमनी ब्लैंक वर्स की, और उन्होंने डिस्कवर किया कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या स्मूथनेस है। हमेशा ही उनकी कॉमेडीज और ट्रेजेडीज सक्सेस रही। शेक्सपियर की एक खास बात और भी है कि वो कभी डिप्रेस नहीं हुए अपनी गरीबी की वजह से, या जो नैरो कन्वर्जेशन करते थे लोग उनके बारे में उसकी वजह से। उनका जो स्टाइल था वो कम एजुकेशन की वजह से अनग्रामेटिकल था, और कभी-कभी परप्लेक्स भी करता था, कंफ्यूज भी करता था ऑडियंस को। अपने सेकंड सेक्शन में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर में कहते हैं कि शेक्सपियर को उनके टाइम में कभी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिली। शेक्सपियर केयरलेस थे अपने एरर्स को लेकर, और अपना काफ़ी मटेरियल वो पब्लिश करा ही नहीं पाए। उनके ड्रामास को जब स्टेज पे किया जाता था तो एक्टर्स कई बार कंप्लीट सेंटेंस को चेंज कर देते थे। जॉनसन से जितना हो सका उसने ओरिजिनल मैटर कलेक्ट किया, पर उन्होंने पाया कि कुछ राइटर्स ने काफ़ी सेंटेंस चेंज कर दिए और नोट्स के अंदर काफ़ी पॉइंट्स ऐड कर दिए। जॉनसन ने कोशिश की कि जितना ओरिजिनल हो सके वो उसको ओरिजिनल रहने दे, और वो रीडर्स को भी यही एडवाइस करते हैं कि आप कंप्लीट प्ले पढ़िए बिना किसी इंटरप्शन के, और जब आपको प्लेजर मिले तो उसके बाद आप नोट्स पढ़िए ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप दोबारा एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ प्रीफेस टू शेक्सपियर हमने कंप्लीट पढ़ा। सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पूरी समरी वन बाय वन मैंने आपको बताई है, साथ ही मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हमने कोशिश करी है कि एक छोटे से वीडियो के अंदर जो सबसे मेजर पॉइंट्स हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करें। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, इंग्लिश लिटरेचर या स्पोकन इंग्लिश या ग्रामर का कोई ना कोई टॉपिक लेकर जल्दी से आपके पास फिर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।